सेक्टर 2 सेंट्रल एवेन्यू मुख्य मार्ग पर न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति द्वारा गणेश उत्सव का पर्व हर्ष व उल्लास से मनाया जा रहा है। सिद्धि विनायक भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा के साथ ही यहाँ की साजो सज्जा शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यहाँ भगवान गणेश का आशीर्वाद ग्रहण करने पहुँच रहे हैं। हर साल की तर्ज पर इस साल भी सेक्टर 2 सेंट्रल एवेन्यू मुख्य मार्ग पर न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति के तत्वावधान में गणेशोत्सव का पर्व हर्ष उल्लास व उमंग के साथ मनाया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष जय श्रीनिवास राव बीते 38 वर्षों से भव्यता के साथ भगवान गणेश की स्थापना के साथ ही विभिन्न आयोजन यहां करवाते आ रहे हैं और इस वर्ष भी पूरी भव्यता से विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा यहां स्थापित की गई है। वहीं यहां की साज सज्जा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ हम आपको बता दें कि इस वर्ष ब्रेकिंग न्यूज थीम के तहत समाचार पत्रों के संग्रहों की खूबसूरत सजावट यहाँ पर की गई है। साथ ही यहाँ की रंग बिरंगी आकर्षक खूबसूरत लाइटें साथ ही वातानुकूलित माहौल श्रद्धालुओं को काफी पसंद आ रहा है। प्रतिदिन शाम आरती में हजारों श्रद्धालु यहां उपस्थित हो रहे हैं। समिति के अध्यक्ष जय श्रीनिवास राव व महिला समिति की अध्यक्षा ने गणेशोत्सव पर्व की बधाइयां शहर और प्रदेश वासियों को दी, वहीं आयोजन की जानकारियां दी। जय गणेश। इस बार हमारा 38वां वर्ष है और महाराज सिद्धि विनायक गणेश जी विराजमान है और इस बार ब्रेकिंग न्यूज हमने जो पंडाल बनाया है ये सारे पत्रकार बंधुओं के पे उनके लिए समर्पित है। जो यहाँ देखने को मिलेगा आपको जो पेपर कटिंग मिलेगा, जो बेस्ट न्यूज़ यहाँ लगा है, तो एक अद्भुत नज़ारा है सेक्टर 2 की पावनधारा पर। मैं सारे भिलाई वासियों से अनुरोध करता हूँ कि बिल्कुल आप यहाँ आइए, आपका हार्दिक अभिनंदन है। और इस बार आपको एक खास देखने को मिलेगा यहाँ पर जो लाइटिंग हुआ है, जो DMX लाइट सिस्टम से हुआ है, जो रात में आपको बहुत सुंदरता से लगेगा, एकदम स्वर्ग टाइप का ऐसा लाइटिंग है, तो बेस्ट लाइटिंग यहाँ पर हुआ है। और अंदर लोगों के लिए एकदम AC की सुविधा की गई है और डेली महाभंडारा महाआरती का आयोजन किया गया है। भजन में यहाँ पर कौन अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, कहाँ कहाँ के लोगों को आमंत्रित किया गया यहाँ पर? मतलब भजन के लिए जितने भी बड़े बड़े जो हैं सारे लोग हमने आमंत्रित किया। कल भी एक भजन हुआ, आज भी एक ऑर्केस्ट्रा है, तो प्रतिदिन नया नया चीज़ें। और आपको एक देखने की चीज़ नया चीज़ मिलेगा, बप्पा जी का पालकी, आज से हम बप्पा जी का पालकी निकालेंगे। जो छोटे बाल गणेश हैं वो पूरा शहर भ्रमण करके पंडाल के आजू बाजू घूमने के बाद फिर अंदर बप्पा को झूले में बैठाएंगे। और नया चीज़ ये बोलना चाहिए कि एक अद्भुत नज़ारा, बप्पा स्वयं यहाँ विराजमान है। आप क्या कामना करते हैं भगवान गणेश से, बप्पा जी से? मैं ये कामना करता हूँ कि हमारा छत्तीसगढ़, पूरा भिलाई, पूरा हिंदुस्तान आपसी भाईचारा प्रेमवाद से बना रहे, शांति बना रहे और हमारा छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़े। ये कामना करता हूँ कि हमारा जो 2 साल पहले जो कोविड में थे, जो एक डर का माहौल था, अब वो दूर गया। आने वाला समय बिल्कुल हमारा सुखमय रहे, अच्छा रहे। मैं पूरे प्रदेशवासी से अनुरोध करता हूँ कि बप्पा का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। इस साल ये 38 ईयर से और इस साल ये 38वां वर्ष है ये, और बड़े धूमधाम से कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग बहुत अच्छा ही करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे इस संस्था के संस्थापक हैं जय श्रीनिवास भैया, उनकी आप धर्म पत्नी हैं और एक अलग समाज शाम को यहाँ होता है, पूरे शहरवासियों से, पूरे गृहणियों से क्या अपील करेंगी? मैं ये चाहती हूँ कि जो भी यहाँ आते हैं उनका पूरा मनोकामना पूरा हो, और ऐसे ही कोई नहीं आता, सभी का सब अच्छा होता है करके पूरा समय यहाँ देते हैं। और यहाँ के तो गणेश जी मतलब साक्षात विराजमान रहते हैं, ये जो आते हैं उनको सबको ये साक्षात पता है कि यहाँ गणेश जी साक्षात बैठते हैं करके। तो अपना इंडिया तो इंडिया ही है, गणेश जी का इतना सेवा भी होता है यहाँ और सब लोग भक्ति से भावना से भी देखने आते हैं, दूर दूर से भी, बहरीन में भी अपना इंडियंस जितने भी हैं, इंडिया क्लब है और वहाँ पर भी सब लोग अच्छा सा मनाते हैं। क्या कामना करते हैं पप्पा जी से? पप्पा जी से यही कामना करते हैं कि सबको अच्छा रख के, खुश कर रख के और स्वास्थ्य अच्छा रहे बस। एक दिन को नहीं है ना, भगवान का सेवा करने को मेरी बच्चा तैयार हो। क्या प्रार्थना करते हैं पप्पा जी से? सब लोग ठीक रहेगा, सब अच्छा रहेगा तो बच्चा लोग का दुनिया ठीक रहेगा, तो हम लोग ठीक रहेगा।
न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति के अध्यक्ष जय श्रीनिवास राव भक्ति भाव से भगवान गणेश की स्थापना यहां कराते हैं। बीते 2 वर्ष के कोविड के बाद इस वर्ष सभी ने गणेशोत्सव का पर्व खुशियों से मनाया है। समिति द्वारा प्रतिदिन गीत संगीत व भजन यहां रोजाना प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में शामिल श्रद्धालुगण भगवान गणेश से सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना कर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना करते देखे जा रहे हैं। बहरहाल न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति आने वाले दिनों में भी भव्यता से आयोजन कराने की तैयारियां कर रहा है। पूरे 10 दिनों तक अष्टविनायक विघ्नहर्ता को पूजने हजारों लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।